हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निखिल और मैं आज फिर से आप सभी लोग भी एक नए वीडियो के साथ आया हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एक नई जॉब और वैकेंसी के बारे में। तो आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को कंप्लीट देखना है बिना स्किप किए, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूँ हमारे STDP चैनल में। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को नई वैकेंसी के बारे में बताता हूँ। तो ये जो वैकेंसी निकाली गई है, इंडियन एकेडमी ऑफ हाईवे इंजीनियर्स की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है, और इसमें जो आपका पोस्ट होने वाला है असिस्टेंस मैनेजर के पोस्ट पे होने वाला है। और मैं आप लोगों को बता दूँ तो इसमें आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं होने वाला है और ना ही कोई आपसे एप्लीकेशन फ़ी चार्ज लिया जाएगा। तो और मैं साथ ही साथ आप लोगों को सैलरी की बात करूँ तो इसमें सैलरी जो आपका मिलने वाला है वो 47,800 से लेकर 1,51,000 तक मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से बताता हूँ कि क्या क्या आपको रूल फॉलो करना है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे इन्होंने इंडियन एकेडमी ऑफ हाईवे इंजीनियर्स की तरफ से वैकेंसी निकाली है, और इसमें जो आपका पोस्ट जो है यहाँ पे असिस्टेंस मैनेजर के पोस्ट पर आपका बहाली होने वाला है। और इसमें जो आपका पेमेंट जो है यहाँ पे क्या क्या चीज़ जोड़ के आपका 47,800 से लेके 1,51,000 तक होने वाला है, तो ये यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि लेवल 8 का आपको पेमेंट मिला है, फिर ग्रेड पे ये सब आपको मिलने वाला है। तो ये सब आप अपना देख लेना। फिर नीचे आते हैं हम लोग, यहाँ पे देखते हैं, फिर मैं आप लोगों को यहाँ से बता देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो कि टेक्निकल मैनेजर के पोस्ट पे इन्होंने बहाली निकाली है, और मैं आपको एज की बात करूँ तो आपका 35 साल से ज़्यादा एज नहीं होना चाहिए, तभी जाके आप इसमें फॉर्म को फिल कर पाओगे। फिर इसमें कोई भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो वो सारे कैटेगरी से आप अप्लाई कर सकते हो। और मैं एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करूँ तो यहाँ पे एजुकेशन जो क्वालिफ़िकेशन आप लोगों से मांगा जा रहा है, जो लोग भी बीटेक किए हुए हो और साथ ही साथ गेट क्वालिफाई किए हो, तो वो लोग इसमें ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करो, क्योंकि उन लोगों को अगर सिलेक्शन हो जाता है तो इसमें पेमेंट आप लोगों की किस्मत बदल देगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन्होंने मेंशन किया है कि डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग आपका कोई भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। और मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑन बेसिस ऑफ वैलिड ग्रेजुएट। तो ये इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि यहाँ पे आपका डायरेक्ट बहाली होने वाला है, और जिनका भी गेट में स्कोर सिविल इंजीनियर में अच्छा है तो वो लोग ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करो। यहाँ पे फिर इन्होंने मेंशन किया है कि IHE के द्वारा आपको इन्वाइट किया जाएगा, और फिर आपको जाके वहाँ पे इंटरव्यू देना है, और इंटरव्यू से आपका वहाँ पे मेरिट लिस्ट बनेगा, मेरिट लिस्ट के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। फिर मैं नीचे आ जाता हूँ, नीचे आपको बता दूँ तो यहाँ पे इन्होंने रिलैक्सेशन जो है दिया है गवर्नमेंट के तरफ से, तो नीचे अभी आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्या क्या रिलैक्सेशन है। और मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ तो ये जो है आपका ये पूरा एड्रेस होने वाला है, तो इसका जो फॉर्म आपको अप्लाई करना है वो ऑफलाइन करना है, और इसका फॉर्म मैं आप लोगों को PDF के रूप में अवेलेबल करवा दूंगा। डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है और PDF का मैं नोटिफिकेशन का लिंक दे दूंगा, आपको जाके वहां से डाउनलोड कर लेना है। और नहीं डाउनलोड करना चाहते हो तो आप लोगों को क्या करना है, हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। TDP के जितने भी सोशल मीडिया है आपको जाके सभी सोशल मीडिया को फॉलो एवं ज्वाइन कर लेना है। तो ये पते पे आपको जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म को भेज देना है। फिर मैं नीचे आता हूँ तो आपको बता देता हूँ। तो ये जो है आपका इंपॉर्टेंट कंडीशन सब है, तो ये आप लोग को अपने से पढ़ लेना है। जो मेरे काम का है आपको बताने का वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो आपका जो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन जो है आपको क्या करना है, जो लोग भी OBC EWS फिर जनरल ST SC किसी से भी आते हो, तो आप लोगों को क्या करना है, अपना प्रमाण पत्र बनवा लेना है, अपना जो है प्रमाण पत्र अप्लाई कर देना है, क्योंकि इसमें आपको करंट मांगा जाएगा। तो आपको अपने ब्लॉक से या फिर अपने ज़िला से कहीं से भी आपको अपना प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र आपको बनवा लेना है, क्योंकि आपको जब आपका ज्वाइनिंग होगा उस समय इसका ज़्यादा डिमांड होगा, तो आपको उस समय के लिए रेडी रहना है। फिर मैं यहाँ पे आपका सिलेक्शन प्रोसेस की मैं आपको बता दूँ, तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस देख पा रहे होंगे ऑन द बेसिस ऑफ वैलिड आपका जो है, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ तो जो लोग भी गेट क्वालिफाई किए हो तो उसमें अगर आपका अच्छा स्कोर है तो आप इसमें ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करना। तो इसका एडवर्टाइजमेंट अगर क्लोज हो जाता है उसके बाद अगर आप फॉर्म को सेंड करते हो तो आपका जो फॉर्म है वहाँ पे मान्य नहीं किया जाएगा, तो ये इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। फिर आपको यहाँ पे मैं आप नीचे आप लोगों को बता दूँ तो यहाँ पे आप अपना नोट पढ़ लेना, जो है ये आप
का काम क्या है। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ तो यहाँ पे लास्ट डेट जो होने वाला है आपका, यहाँ पे देख सकते हो कि हाउ टू अप्लाई, कैसे आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन जो है आपको क्या करना है, इस वाले वेबसाइट पे आपको जाना है, वहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। वो एप्लीकेशन फॉर्म जो है नोटिफिकेशन में भी आपको अवेलेबल मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आपको डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकाल के उसको फॉर्म को फिलअप कर लेना है। मैं अभी दिखा देता हूँ कि वो फॉर्म कैसा होने वाला है। और फिर आपको क्या करना है, ये जो इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है एड्रेस को, इस एड्रेस पे आपको 28/4 यहाँ पे देख सकते हो कि 28/4/2022 तक 5:30 बजे तक आपको सेंड कर देना है। तो इन्होंने ये चीज़ मेंशन यहाँ पे कर दिया है। और यहाँ पे आप लोगों को मैं बता दूँ तो यहाँ पे सबसे मेन जो इन्होंने बोला है कि आपके पास एक ईमेल आईडी होना चाहिए जो कि आपका एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि आपका आपको जो इंटरव्यू के लिए जब बुलाया जाएगा तो उसी ईमेल आईडी पे आपको भेजा जाएगा, तो आप जाके वहाँ पे इंटरव्यू दे सकते हो। फिर मैं नीचे आ जाता हूँ, फिर नीचे आने के बाद आपको, अब चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ वो फॉर्म कैसा होने वाला है हम लोगों का। तो यहाँ पर आप सबसे नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो फॉर्म है आपका कुछ इस टाइप का फॉर्म होने वाला है। तो ये जो फॉर्म है यहाँ पे देख सकते हो, एप्लीकेशन द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट के लिए ये फॉर्म है। तो आपको ये फॉर्म डाउनलोड कर लेना है और इसको प्रिंट आउट निकलवा लेना है। फिर यहाँ पर आपको फ़ोटो और जो चीज़ मांगा जा रहा है आप अच्छे आपको अपने से पढ़ लेना है और सबको फिल अच्छे से कर देना है, कोई भी मिस्टेक आपको नहीं करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि आप अपना पूरा यहाँ पे देख लेना और अच्छे से इसको फिल कर लेना। तो दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, अगर हमारा स्टडीपी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ बेल आइकन के घंटे को भी दबा लो, ताकि आपको टेक्निकल और नॉन टेक्निकल से रिलेटेड जॉब की अपडेट और साथ ही साथ ऑटो कैड का भी, हम लोगों का क्लास इस चैनल पर चलता है, तो आपको उसका क्लास का भी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जल्द से जल्द मिल सके। और दोस्तों मैं आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि उन सभी ज़रूरतमंदों व्यक्ति को ये वीडियो मिल सके और उन लोगों को ये चीज़ का जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाना चाहते हैं, स्वस्थ रहें, अपने और अपने परिवार का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें। सो थैंक यू सो मच दोस्तों।